हेलो फ्रेंड्स, किचन मिल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी लोबिया मसाला करी। ये लोबिया होते हैं, इनको काऊ पी, ब्लैक आई पी भी बोलते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, विटामिन ए और विटामिन के भी होता है, और पोटेशियम इसमें बहुत होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। अब देखिए, एक ही दाल में अपन को कितने न्यूट्रिएंट्स मिल गए। ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है, ये वेट लॉस में भी फायदा करता है। लोबिया को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनती है पंजाबी लोबिया मसाला करी। मैंने इस मेजरमेंट से 2 कप लोबिया लिए हैं। इनको मैंने पानी में 8 से 10 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है। आप सुबह बनाते हैं तो रात भर पानी में भिगो के रख सकते हैं। यदि आपको इवनिंग में बनाना है तो आप इसको 8 से 10 घंटे भिगो के रख दीजिए। आपको जल्दी बनाना है तो 3-4 घंटे आप गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। इसके लिए गैस पर एक कुकर रखेंगे। इसमें 4 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग। इनको थोड़ा सेक लेंगे। 1 चम्मच जीरा, जीरा अच्छे से सेक जाए। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, इनको काटा है, इसको डाल देंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। जब प्याज सिक जाए तो इसमें लहसुन डालना है। मैंने 8 से 10 कली लहसुन की इनको चॉप करके रखा हुआ है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने कस के रखा हुआ है। 2 हरी मिर्ची, इनको मैंने काटा है। 1 मिनट इसको सेकेंगे। 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इनको मैंने काटा हुआ है, इनको भी डाल देंगे। थोड़ी देर गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, टमाटर को पकाएंगे। फ्रेंड्स, लोबिया मसाला करी बनाना काफ़ी आसान है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। टमाटर जब आधा पक जाए तो इसमें कुछ मसाले डालेंगे, गैस को स्लो कर देंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप मिर्ची अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हरी मिर्ची भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्ची भी आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 4 चम्मच धनिया पाउडर, 1 नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको इसी तरह 5 मिनट तक पकाएंगे। साइड से इसमें ऑयल छोड़ने लग जाएगा जब तक इसको पकाएंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे जिससे मसाला कुकर से चिपके नहीं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, साइड से ऑयल छोड़ने लग गया है, मसाला रेडी है। अब इसमें जो लोबिया भिगोया हुआ था उसको डाल देंगे। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं लहसुन प्याज, तो फिर आप ऑयल की क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं उसमें। प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसमें 6 से 7 सीटी लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें सीटी आ गई थी, अब सीटी पूरी निकल जाए तब इसके ढक्कन को खोलेंगे, चेक कर लेते हैं। लोबिया अच्छे से पक चुका है, इसका कलर भी बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत टेस्टी सुंदर लग रहा है। अब इसको हम सर्व करते हैं।
बॉल में डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसका राइस के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप इसको वैसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया डलेगा। फ्रेंड्स पंजाबी लोबिया मसाला करी रेडी है, आप भी एंजॉय कीजिए, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।